भी मेरा मुजरब नकुश है, ये हिंदी नकुश है, हिंदी नकुश, ठीक है, हिंदी नकुश। ये गैर मुस्लिम लोग इसको इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, गैर मुस्लिम लोग इसको इस्तेमाल कर सकती है, मुस्लिम इसको इस्तेमाल ना करे, ठीक है। ये मुस्लिम के लिए नहीं है, गैर मुस्लिम के लिए। गैर मुस्लिम लोग मेरे से बार बार बोलते हैं कोई आशान बताओ, कोई आशान बताओ, कोई आशान बताओ। मैं उनके लिए मैं लेकर आइए ये नकुश, ठीक है, उन लोगों के लिए लेके आइए। इस नकुश को बनाने के लिए एक खास स्याही का जरूरत पड़ेगी आपको, खास स्याही का जरूरत, स्याही मैं आपको बता रही है। एक काली काली स्याही ले लीजिए। काली स्याही लेने के बाद प्याज होती है ना, प्याज जो वो खाने में डालती है, प्याज, प्याज का रस निकाल लीजिए, प्याज का रस निकाल लीजिए। प्याज का रस निकालने के बाद उसको उस काला स्याही में प्याज का रस को शामिल कर लीजिए, दोनों को मिक्स अच्छी तरह कर लीजिए। करने के बाद ये नकुश जो है, चार अदद ये नकुश तैयार कीजिए, फूट फूट अदद ये नकुश तैयार कीजिए, ठीक है। एक नकुश तैयार होने के, चार नकुश तैयार होने के बाद एक नकुश जो है वो अगर मर्द इस्तेमाल करना चाह रही है तो मर्द अपना सीधा सीधा राइट बाजू पे बांधे, ठीक है, और अगर लड़की इस्तेमाल करना चाह रहा है तो अपना उल्टी बाजू पे बांधे, ठीक है। और बाकी आपके पास तीन नकुश बच गया, तीन नकुश में से एक नकुश को लपेट के अच्छी तरह उसको एक जो है किसी दरख्त पे, किसी ऊंचा दरख्त पे लटका दीजिए, ठीक है। और बाकी दो नकुश में से एक नकुश को पानी का पास दफन कर दीजिए, पानी किसी दरिया, समंदर, नहर के पास दफन कर दीजिए। पानी का पास दफन ना कर सके तो फिर एक डिब्बा लीजिए, कोई छोटा डिब्बा लीजिए, डिब्बा का अंदर जो है मट्टी डालिए, मट्टी गीला करके डालिए। मट्टी गीला करके डालने के बाद उसके बीच में तावीज रखिए, अच्छा जितना भी तावीज आप बनाए सब तावीज के ऊपर आप जो है प्लास्टिक लपेट लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से। जब तावीज को उसको डब्बा के अंदर मट्टी गीला मट्टी डाल दे तो फिर बीच में तावीज रख के ऊपर से दोबारा गीला मट्टी डाल दे और डब्बा को वो अच्छा तरह बंद कर दे, ठीक है। डब्बा बंद करने के बाद फिर उसको आप किसी भी जो है दरिया या समंदर में डाल दे, अगर पानी का पाइप दफन ना कर सके। अगर पानी का पाइप दफन कर सकती है तो भी बहुत अच्छा, डब्बा को फिर पानी के किनारे पे कहीं मट्टी वगैरह में कहीं दफन कर दीजिए, वरना फिर आप डब्बा को समंदर में या दरिया में किसी नहर में डाल दीजिए, ठीक है। अब जो एक नकुश बचा है उसको आप जो है आग का पास जो है दफन कीजिए ताकि उसको गर्मी मिलता रहे। आग का पाक दफन करना ऐसा जैसे जलना नहीं चाहिए, सिर्फ आग का पाक दफन करे उसको गर्मी मिले, उसके लिए आप उसको चूल्हा होता ना, चूल्हा होती है ना घर का, घर के चूल्हा के नीचे भी चिपका सकती है कि वो हल्का हल्का गर्म रहे। और जो तो बाहर होटल होती है तंदूर पकाती है, उधर भी तंदूर का पास आप दफन कर सकती है, तंदूर का पास किसी भी ऐसा जगह पे जहाँ पे आपको वो गर्म रह सके, ठीक है। और नक्शे के नीचे अपना नाम, महबूब, पहले महबूब का नाम फला बिन फला, फिर अल्लाह, फिर अपना नाम फला बिन फला, ठीक है। आप उसको हिंदी जो लोग है वो हिंदी में उसको फिर लिख लेके, हिंदी में कैसे लिखी जाएगी वो फला बिन फला, ठीक है। पहले महबूब का नाम आएगी, फिर मोहब्बत, फिर अपना नाम लिख दीजिए फला बिन फला, ठीक है। और नीचे भी हकी शैतान व आली शैतान, यकी शैतान व आली शैतान, ठीक है। ये शैतानी नकुश मुस्लिम इसको इस्तेमाल ना करें, मैं इसलिए मुस्लिम को मना कर रही हूँ, ठीक है, मुस्लिम इसको इस्तेमाल ना करें, और नॉन मुस्लिम जो भाई बहन है वो इसको इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।